एके जी आप भी तो सेलिब्रिटी बने बैठे हैं। हमें वो चाहिए जो नेता बन जाए। ओके एके, देखिए राशिद, किसी का भी राजनीति में आना अच्छी चीज है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इन अभिनेताओं को नेता बनना है तो इनका शुद्धिकरण होना चाहिए, पहले इनको तपाना चाहिए ताकि वो नेता बने। होता क्या है कि ये नेता तो बन जाते हैं लेकिन ये काम नहीं करते, काम करने के लिए एक्टिंग करते हैं। जब अपनी टिप्पणी करते हैं तो एके की टिप्पणी किसी एके 47 और एके 56 से कम नहीं होती है। नहीं देखिए, ये यहाँ पे भी आते हैं, ये काम नहीं करते हैं बल्कि काम करने की एक्टिंग करते हैं। उठा के देख लीजिए संसद में अटेंडेंस, अपने क्षेत्र में अटेंडेंस। तीसरा सबसे बड़ी बात, 5 साल तक आदर्श चरित्र, आदर्श पुरुषों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, राम कृष्ण महाराणा प्रताप, अब चुनावी नैया पार करने के लिए ये ग्लैमरस वर्ड इन लोगों का ये सहारा ले रही है, सारे मर्यादाएं भूल गई। और आरएसएस के लिए भी ये चीज है। चौथी चीज, ये सेलिब्रिटी देखिए, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, और इनका तनहा तनहा यहां पर जीना, ये इनके प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है। एजेड हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अब इनकी फिल्म चल नहीं रही है। आपने भी ग्लैमर में रहने की आदत पड़ गई है तो पॉलिटिक्स पकड़ लो। हाँ, पिक्चर आपने भी देखी हुई है और गाना भी बड़ा सही सा है। ये इनके प्रैक्टिकल लाइफ का, आज उर्मिला मातोंडकर को कौन सी फिल्म मिल रही है? ग्लैमर में रहना है, पब्लिक में रहना है, पॉलिटिक्स पकड़ लो साहब। मुझे उर्मिला बतौर एक्ट्रेस बहुत पसंद है। मैंने पिंजर, ऑस्कर दिलवा दे इंडिया को, दो पिक्चर है बड़ी अच्छी, सारे फिल्म अभिनेता एक बहुत बढ़िया लगती है। अब्दुल हफीज गांधी जी आपके पास भी आ रहा हूँ। अब्दुल हफीज गांधी जी लाइव वोटिंग कर रहे हैं हम। एके मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एके मिश्रा जी, अगर कोई एक्टर है तो पहले वो स्क्रीन टेस्ट देता है, ऑडिशन देता है, तब वो पास होता है, तब उसे काम मिलता है और फिर वो स्टार बनता है, स्ट्रगल करते करते, संघर्ष करते करते। तो फिर उन्हीं स्टार्स को पॉलिटिक्स में एंट्री भी मिल जाती है, साथ के साथ टिकट भी मिल जाता है। यहाँ भी ट्रेनिंग चलनी चाहिए, यहाँ भी उन्हें एग्जामिन करना चाहिए, तब जाकर टिकट देना चाहिए। देखिए रचना, मैं आपको बताऊं, मैंने सारे लोगों को सुना। पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, स्पेशली बीजेपी जैसी कद्दावर अगर पार्टी देखे, जहां पे एक से एक धुरंधर वक्ता आरएसएस का बैकअप है। इमरजेंसी ड्रग जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, कि जब कहीं कुछ नहीं होता है तो चुनाव जीतना है तो ऐसे लोगों को ले आइए। उसके पीछे रीजन है कि उनकी जो है बॉन्डिंग ऑलरेडी जो है पब्लिक से होती है, कौतूहल के कारण पब्लिक आती है और वोट देती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा है इलाहाबाद, हेमवती नंदन बहुगुणा जो कद्दावर नेता थे, जिनको हराया नहीं जा सकता था, केवल अमिताभ बच्चन के चकाचौंध ने हरा दिया। दूसरी चीज, हेमा मालिनी बोल रही थी कि मैं ब्रज की गोपी रहना चाहती हूँ, आप इनसे ये जरा पूछिए कितनी बार अगर आप गोपी हो तो कितनी बार 84 कोसी की परिक्रमा की है और कितनी बार आपने हरे कृष्णा का नाम लिया है। तीसरी चीज, एक डायलॉग बोलने के लिए ये जो फिल्मी एक्टर है 10 बार रीटेक होता है और 50 बार मेकअप होता है, 50 बार रीटेक के बाद ये 2 मिनट का डायलॉग बोल पाते हैं। पॉलिटिक्स में सेकंड चांस नहीं मिलता है, मतलब जो करना है इंस्टेंट करना है। सबका आप उठा के देख लीजिए, ना ये संसद में जाते हैं, ना ये अपने क्षेत्र में जाते हैं, ये जा करके अपने वापस फिल्मी दुनिया, अपने उन सारी चीजों में मस्त हो जाते हैं। होता क्या है, ये देखिए, ये क्यों आते हैं, जितने एक्टर आए हैं ना, संघर्ष किया। अभी हमारे बीजेपी के मित्र सिंह साहब बोल रहे थे उन्होंने ऐसे संघर्ष किया जी, अरे उनका संघर्ष अपने पैसे कमाने के लिए था, दूसरों की लाइफ सुधारने के लिए नहीं था, उनका संघर्ष था अपना चेहरा चमकाने के लिए, ना कि एक गरीब आदमी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए जो कि रोता हुआ चेहरा है। अगर वो इतने टैलेंटेड है, अपनी पार्टी खोले, आके 20 साल काम करें, फिर देखें पब्लिक उनको कितना करती है, संघर्ष करें ना, वो संघर्ष करके अगर फिल्मी दुनिया में सफल हो सकते हैं तो पॉलिटिक्स की दुनिया में संघर्ष करने से क्यों वो डरते हैं, क्यों एक ऐसे आदमी का, एक ऐसे नेता का वो पद खा रहे हैं जो पिछले 20 सालों से अपनी जवानी खपा दी। आपकी बात को मैं थोड़ा सा इन्वर्स लेकर के चल रहा हूँ। आपको राजनीति में टिकट मिल जाए तो निश्चित तौर पर उस पार्टी का जो प्लस है वो आपके साथ जाता है। आज अगर मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बड़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है, तो उसका प्लस उसके व्यक्तित्व के साथ जुड़ेगा, इसलिए प्लस होगा। जो बात आज आप अभी अभी राशि जी आपसे पूछ रहे हैं, आप जौनपुर के हैं तो मैं भी प्रताप का प्लस या मैं जानता हूं, आप यही नहीं सुनिए, वो हम आपको घटना बता रहे हैं। मनोज तिवारी जी प्रेजेंट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। बतौर स्टाइल गुरु आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ, आपने चूंकि 4 कैटेगराइजेशन किया हुआ है, इन चारों के बारे में आपकी रिसर्च भी होगी, आपकी रिसर्च क्या कहती है? ये जो चारों कैटेगरी है, जब ये चारों कैटेगरी किसी भी फिल्म स्टार को स्वीकार करते हैं, उनमें क्या देखते हैं? उनके बात करने का तरीका, डिम्पल वाली हंसी, माचो मस्कुलर स्टाइल,
चारों कैटेगरीज एक साथ स्वीकार नहीं करते। पहली बात तो चारों कैटेगरीज एक साथ स्वीकार नहीं करते। उर्मिला को अगर कोई स्वीकार करेगा तो क्यों करेगा? उर्मिला को स्वीकार क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए भोली वाली जनता, आपके लिए भी पूछा, नहीं भोली वाली जनता और अंधभक्त जो इतने सुंदर मुस्कान के साथ में क्या टिकट मिलेगा? इन्होंने कहा नो वैकेंसी। देखिए ना, नहीं देखिए उर्मिला के लिए अगर मान लीजिए वो कांग्रेस से आ रही हैं तो उनके जो अंधभक्त हैं और जो भोली भाली जनता है वो एक बार को बहक सकती है, लेकिन जो सेमी एजुकेटेड वर्ग है उसको अगर कोई रिझाएगा, पटाएगा, जो असली शब्द है पटाएगा, तो वो देंगे उसको वोट। लेकिन जो एजुकेटेड है, जो निर्णय ले चुके हैं, जिन्होंने काम देखा है, और अच्छा मतलब ये कि फिल्म स्टार को रिझाने और पटाने के लिए लाया जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, भोली भाली जनता बहुत जल्दी उसमें। रवि किशन जी, हाँ रवि किशन जी, राशिद बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगा, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं क्या बीजेपी के टिकट पर? अभी तय नहीं है अभी कि कहां से लड़ रहे हैं, अभी जो आदेश आएगा उस हिसाब से लड़ेंगे। अभी कोई ये नहीं है कि हम गोरखपुर से लड़ रहे हैं, अभी कोई जगह का नाम नहीं दिया गया। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो कह रहा है कि पाताल से भी टिकट मिल जाएगा तो आप जीत जाएंगे? ये हमेशा रहा, देखो कॉन्फिडेंस, हम लोग जब बहुत गरीबी से निकले ना तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही चीज है, कॉन्फिडेंस। मिट्टी के घर से निकला हूँ मैं, तो मिट्टी के घर से निकला, अपनी एक इंडस्ट्री बना दी जहाँ 50,000 परिवार का चूल्हा जलता है, तो विजन भी था, इसी कॉन्फिडेंस में विजन भी था, भोजपुरी इंडस्ट्री को बना दी, आज कई लोग जी खा रहे हैं। तो यही विजन लेके चले और आज रवि किशन एक ब्रांड बना बगैर कोई गॉडफादर। अच्छा रवि किशन जी, और मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि रवि किशन बहुत बड़ा चेहरा है, उनका उनका चेहरा, उनकी अच्छी सी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाए। रवि किशन जी, जौनपुर जैसी सरजमी से निकल करके अपना नाम रोशन करना, अपने परिवार का नाम रोशन करना, अपने शहर का नाम रोशन करना, पूर्वांचल का नाम रोशन करना, स्टेट का नाम आपने रोशन किया है, आपके संघर्ष की मैं बहुत कायल हूँ, बहुत तारीफ भी करता हूँ, और आपने आपने वाकई बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है समाज के लिए भी, फिल्मी जगत के लिए भी। ये बता दीजिए चुनाव में भी आप कहेंगे जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा? अब देखो कौन रूप में रहे कि मालूम नहीं, हमको पता नहीं हम क्या उस वक्त क्या हम माहौल देख के शब्द बनते हैं हमारे पास। उस बिग बॉस के घर में बोले थे लेकिन वो देश ने नेशनल एंथम बना दिया। अभी चुनावी बातें बहुत सारी सीरियसली है, गंभीर मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अपने गांव देहात की बातें हैं जो हम उसी में परवरिश हुई हमारी, उनकी समस्याओं को जानते हैं। सो एक डेफिनेटली हम नेता नहीं लेकिन एक सेंसिटिव देश का नागरिक हूँ, भारतीय भारत देश का सेंसिटिव नागरिक हूँ जो इमोशन लेके भी चल रहा है देश के साथ, तो अलग ही चीज होगी तब। रवि किशन जी एक और बात है, आज मैं डिबेट कर रहा हूँ और हमारे डिबेट का टॉपिक यही है कि फिल्मी चेहरे क्या वोट को भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि तालियां बटोरते हैं, भीड़ बटोरते हैं, लेकिन क्या वोट में भी उनका कन्वर्जन होता है या फिर नहीं होता है? ललिता, एनटीआर, एमजीआर, दत्त साहब और ऐसे बहुत सारे फिल्मी चेहरे बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं। गुरदासपुर से 4 बार विनोद खन्ना साहब सांसद रहे हैं, शत्रु भैया इतने समय रहे, न जाने इतिहास उठाएंगे, ये लोग इंसान है भाई। पहली बात तो फिल्मी चेहरे को आप लोग को आप लोग गलत नजर से न देखें, ये लोग इंसान है, खाना खाते हैं, सोते हैं, बीवी बच्चे हैं इनके, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बड़े अच्छे इंसान होते हैं, कलाकार होते हैं, देश को एंटरटेन करते हैं, इसी देश में रहते हैं, कोई आसमान से नहीं गिरते ये लोग, अंतरिक्ष से नहीं आते, तो ये बड़े अच्छे लोग हैं जिन लोग फिल्म वाले हैं जो देश को इतने रोल निभा निभा के ना महसूस करने लगते हैं इस देश को। अच्छा तो मैं देश को फिल्म कर चुका हूँ। अच्छा अभी मैं जहाज से उतर रहा हूँ, आपसे फिर बात करूंगा। जय हो आप लोगों की, जय हो एफएम। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि किशन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि अपने अनुभव साझा कर रहे थे, और उनका कहना यह है कि अगर मुद्दे बेहतर हो, अच्छे हो, तो चुनाव लड़ा भी जाता है और जीता भी जाता है। हमें वो चाहिए जो नेता बन जाए। ओके एके, देखिए राशिद, किसी का भी राजनीति में आना अच्छी चीज है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इन अभिनेताओं को नेता बनना है तो इनका शुद्धिकरण होना चाहिए, पहले इनको तपाना चाहिए ताकि वो नेता बने। होता क्या है कि ये नेता तो बन जाते हैं लेकिन ये काम नहीं करते, काम करने की ये एक्टिंग करते हैं। जब अपनी टिप्पणी करते हैं तो एके की टिप्पणी किसी एके 47 और एके 56 से कम नहीं होती है। नहीं देखिए, ये यहाँ पे भी आते हैं, ये काम नहीं करते हैं बल्कि काम करने की एक्टिंग करते हैं। उठा के देख लीजिए संसद में अटेंडेंस, अपने क्षेत्र में अटेंडेंस। तीसरा सबसे बड़ी बात, 5 साल तक आदर्श चरित्र, आदर्श पुरुषों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, राम कृष्ण महाराणा प्रताप, अब चुनावी नैया पार करने के लिए ये ग्लैमरस वर्ड इन लोगों का ये सहारा ले रही है, सारे मर्यादाएं भूल गई, और आरएसएस के लिए भी ये चीज है।
चौथी चीज ये सेलिब्रिटी देखिए जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा और इनका तनहा तनहा यहाँ पर जीना ये इनके प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है। एजेड हो गए फिल्म इंडस्ट्री में अब इनकी फिल्म चल नहीं रही है। ग्लैमर में रहने की आदत पड़ गई है तो पॉलिटिक्स पकड़ लो। पिक्चर आपने भी देखी हुई है और गाना भी बड़ा सही सा है। ये इनके प्रैक्टिकल लाइफ का आज उर्मिला मातोंडकर को कौन सी फिल्म मिल रही है? ग्लैमर में रहना है, पब्लिक में रहना है, पॉलिटिक्स पकड़ लो साहब। मुझे उर्मिला बतौर एक्ट्रेस बहुत पसंद है। मैंने पिंजर ऑस्कर दिलवा दे इंडिया को, दो पिक्चर है बड़ी अच्छी, सारे फिल्म अभिनेता एक बहुत बढ़िया लगते हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी आपके पास भी आ रहा हूँ। अब्दुल हफीज गांधी जी लाइव वोटिंग कर रहे हैं हम, बहुत लोग कोशिश किए ने वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ कि मोदी जी संघर्ष करके आए आज सेलिब्रिटी बने हैं। और एके जी जो कह रहे थे ना शुद्धिकरण होना चाहिए, बिल्कुल उनका शुद्धिकरण जनता करती है। एके जी आप भी तो सेलिब्रिटी बने बैठे हैं। तो जनता 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 जो है जनता जनता जनार्दन होती है, वही शुद्धिकरण करती है, वही समाचार बड़े बड़े लोगों को जनता जनार्दन। और ऋचा जी ने कहा था नहीं, उन्होंने आपका ओपिनियन, ऋचा जी को सुन लीजिए, 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए।